हरियाणा की रोहतन विधानसभा में पन्ना प्रमुख कार्यकर्ता सम्मेलन में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कमल पटेल ने हरियाणा के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और कहा, बूथ जीता तो चुनाव जीता। एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने रोहतक में कहा कि पार्टी में पन्ना प्रमुख बनाने की शुरुआत मध्य प्रदेश से ही हुई है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी को टिकट मिलता है, पर असली चुनाव तो बूथ पर पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ उनकी टीम ही लड़ती है। पटेल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हरियाणा में भाजपा की डबल इंजन सरकार है। 2,500 भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता यहां मौजूद है। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की ताकत भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता है। और इसलिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने एक आह्वान किया है पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, बूथ जीता चुनाव जीता। बूथ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत तो भारतीय जनता पार्टी सशक्त। दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नहीं हरा सकती। जितने कार्यकर्ता एक विधानसभा क्षेत्र के 170 पोलिंग बूथ के 2,500 कार्यकर्ता एक एक बूथ से आए हैं, इतनी बड़ी ताकत दुनिया में किसी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है। पटेल ने कहा कि केंद्र में मोदी और राज्य में खट्टर सरकार है, ऐसे में आपका दायित्व बन पड़ता है कि केंद्र और राज्य की जनहितैषी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, उससे भी जुड़े योजनाओं का लाभ सही हितग्राहियों को मिले। इसकी चिंता भी हम सबको करना है। साथ ही सरकार का जो प्रचार तंत्र है वह अपनी जगह है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं का दायित्व भी है कि वो इन योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करें। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में।